ठीक है, ये काजी अवैस भाई हैं और ये जुगत भी करते हैं, और मैं करूँ तो फिर आगे से घूरियाँ निकालते हैं, यू नो घूरी आप समझ सकते हैं। ओ लिप बाम मंगा, लिप बाम मंगा, सोने मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंग दी, तेरे पैर च अखीर होवे मेरी, तेरे पैर च पैर माशा तो मुंह करो। अच्छा जी नाज़रीन, आपको बताना कि आज हमारी एक यानी जो मेहरीन थी वो नहीं आ रही, उनकी जगह पे एक हमारी बहुत अच्छी कह सकते हैं जी वो आ रही है, तो उनका नाम है कौन बनेगा करोड़पति, के बी के कौन बनेगा करोड़पति है। और यानी मैं चाहता हूँ कि आज आपको उनका इंट्रोडक्शन भी करवाऊँ, और देखें बड़ा माशाल्लाह पहला नाक के जरा मुँह चातियाँ मार दें, गल तो पुरानी है लेकिन उन्होंने तो अच्छी लगी एकदम, नाक बहुत अच्छा उनका खूबसूरत। अच्छा गाइस मैं आपको बता रहा था कि आज हमारी नई एक को होस्ट आई है, तो उनके पास आपको लेके चलते हैं, बड़ा खिंचा सा उनका मुँह। अस्सलाम वालेकुम, तो क्या आज उनके साथ आपका स्टैचू सिचुएशन हाँ वो पहले भी आपके साथ मैंने पहले भी काम किया हुआ है एक शो के ऊपर, आज वो आई है अंकल पेरी की जगह फिल इन करने आई है, और पाँच छः शोज के लिए आएंगी। अच्छा 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 बहुत ही आती रहेंगे। Oh.
कैसे हैं? तबीयत ठीक है आज? ज़रा एक्चुअली मेरा प्राउड होने में दिल है, उसकी वजह कि मैं एक बड़े एंकर हैं हमारे आफ्ताब इकबाल साहब, उनका गेटअप कर रहा हूँ, तो वो फिर प्राउड इस वजह से कि मेरी बड़ी बात है कि मैं आफ्ताब इकबाल साहब का गेटअप कर रहा हूँ। इसलिए दो दो मेकअप आर्टिस्ट आपको जुड़े हैं? दो मेकअप आर्टिस्ट मुझे चिमरोसिन हुए हैं, ठीक है, और बड़ा मज़ा आता है जब उनका गेटअप करता है, ठीक है। तो आफ्ताब साहब माफ़ कीजिएगा, लेकिन कागजा ने कन करते अभी थोड़ी देर में चले, एक्चुअली उन्होंने कॉल आ गई, उन्होंने सारा कुछ झड़ता लगाया। अच्छा, आपको पता है कि गेटअप बहुत मुश्किल होते हैं, वो करने भी बहुत ज़रूरी होते हैं, तो अब साथ साथ ये है कि सेलिब्रेशना वो चलती रहनी चाहिए, ठीक है। ये मुंह क्यों ऐसा बना रहे हैं? मुँह इसलिए बना रहा हूँ, एक स्प्रे ठंडी लग रही है, इतनी गर्मी में ठंडी कुछ नहीं कहती। तो जी सर, आप रेडी? जी मैं रेडी हूँ, अल्लाह की रहमत से। मैं चलते हैं अपने गेस्ट के पास और देखते हैं गेस्ट क्या कर रहे हैं। आपने भी इस बात का माइंड नहीं रही, बिल्कुल मुझे गर्व है आपके शो का, और आपका शो बहुत अच्छा होता है, ऑलवेज एंटरटेनिंग, आप लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, अमेजिंग शो। बस दुआ करके दिए, और मैं अक्सर आपको देखता हूँ, यूट्यूब फैन में आप अच्छे ही, ठीक है, यूट्यूब में आपको यूट्यूब पर मैंने सब्सक्राइब किया है, लाइक शेयर एंड कॉमेंट्स, बिकॉज योर एक रूटीन चलती है। अरे यार भाई, कैसा लग रहा है आपको? यही आपने पहले हमारा शो देखा, कैसा एटमोसफियर? कैसा अमेजिंग, अमेजिंग, इतना लाइवली इन्वायरमेंट होता है। सबसे बढ़ के ये कि और भी शोज़ हो रहे हैं वहाँ पे, लेकिन आपका जो है ना वो बहुत, उसमें पंच लाइंस भी होती हैं तो बड़ी मीनिंगफुल होती है सर, सो ये बहुत बहुत अमेजिंग है। भाभी आपने देखा? जी जी बिल्कुल। तो कैसा लगता है? थैंक यू सो मच सर, हम आपके सामने काम करते हैं।
बहुत शुक्रिया। तेरी कमी कहना है ये।
यानी हम ये करते रहते हैं, उसकी वजह ये है कि हम ये ना करें तो आप हमें लाइक नहीं करते. अभी चलते हैं हम अपने गेस्ट की तरफ और आज आपको बुलाते हैं अपने गेस्ट से भी और देखते हैं वो क्या कह रहा है. पहले वो देखते हैं, गेस्ट बाद में देते हैं. आ जाए नहीं, आज क्या बनना चाह रहे हैं आप हैं भाई? इधर गिरिएगा जरा. अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं सड़ा सच. अच्छा, अब ना भी क्या हमें पता लग गया आप क्या बन रहे हैं. टेम्पो का बहुत मजा आ रहा है, टेम्पो से अच्छा जी, आज एक्चुअली ये है कि आपको पता है हम कुछ बेल ऐसा चल रहा है तो ये जो हमारे काजी भाई हैं वो माड़े देखते हैं, हमारे जानते हैं क्योंकि डायरेक्टर है ना, डायरेक्टर की माननी पड़ती है, ना मनो अगला कड़ा भी लेना. अच्छा सलामकुम, आप कैसे हो? तो भी ठीक है आप? अच्छा इधर आ जाइए. हम ये चाह रहे हैं कि आज आप हमें कुछ करके दिखाएं क्योंकि हमें पता लगे कि आप भी बहुत अच्छे फिल्म बनाओ. आपको अच्छा समझा था आप तो फिर वैसे ही निकले. आज कोई अच्छी बात करें भाई, कोई अच्छी आइटम कोई आपकी जो मशहूर. मैं कोई अल्लाह माफ करे कोई आइटम करने वाला नहीं. अच्छा फिल्म अभी भी सीख रहे? हाँ जी बिल्कुल सीख रहे. आप अमिताभ बच्चन साहब ने क्या कहा कि मैं अभी भी लर्निंग वाले स्टेज. बहुत अच्छी बात है, उन्होंने अर्निंग भी तो कितनी कर ली है ना. बिल्कुल कर, मैं ही चाहता हूँ अर्निंग के बाद भी लर्निंग हो सकती है, लेकिन अभी आपको ऐसी चीज़ जो आपको गुबाना की सॉन्ग. नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है भाई. ओके, तो हम फजूल खड़े हैं. परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो आज की जो हमारी मेहमान हैं वो वाकई T20 क्या बल्कि वनडे क्या बल्कि मैं तो कहता हूं टेस्ट क्या बल्कि म्यूजिक की ऑलराउंडर हैं, पाकिस्तान का लिविंग लेजेंड है. आपकी भरपूर तालियों में वेलकम द सोलफुल वॉइस ऑफ शाज़िया मंसूर. Thank you.
ऑन द ब्रेक, आप देख रहे हैं माइंड ना करना। श्रेयस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो अपने बेटे की शादी पे। थैंक यू सो मच। हां, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। और दूसरा ये कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये जो न्यू म्यूजिक आ रहा है उसके बारे में आपके क्या ख्याल आते हैं? जैसे ये न्यू चाहत सॉन्ग्स और ये म्यूजिक। व्हाई आर यू कॉलिंग दैट म्यूजिक? राइट, दैट्स नॉट म्यूजिक, दैट्स एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट बिल्कुल ठीक। म्यूजिक क्या, म्यूजिक की तोहीन कर रही है। सही बात है, सही बात है भाई। कभी आप म्यूजिक में होते हैं, कभी नहीं होते, कभी रिटायरमेंट हो जाती है, फिर एकदम वापस एंट्री हो जाती है, फिर यू टर्न हो जाता है। ये मौसीकी की पीटीआई से तो नहीं आपका? ये तो किसी, हाँ किसी और की खासियत बता रहा हूँ। नहीं मगर यू मेकिंग अ कमबैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम नाउ अगेन। नहीं, आई हैड बीन डूइंग म्यूजिक फॉर अ लॉन्ग टाइम। बीच में ब्रेक आई थी, हाँ, जस्ट फॉर अ ईयर बैक इन 2012। या बीच में फिर आपने म्यूजिक प्रोडक्शन के ऊपर ज्यादा ध्यान, प्रोडक्शन ज्यादा, हाँ, लेकिन गा भी रहा था उसमें फिल्मों के जितने गाने थे। हां वही ना, मतलब आपको लगता है पॉप सॉन्ग्स थे ही नहीं ना, किसी के भी नहीं थे। पॉप इंडस्ट्री अब फिर से जाके दोबारा से आफ्टर कोविड, यस, रिवाइव हो रही है। मगर आपको नहीं लगता कि अब हम लोग एक ऐसे दौर में आ चुके हैं कि जहां टेक्नोलॉजी ने इन सारी चीजों को टेक ओवर कर लिया? डेफिनेटली, अभी एआई को अगर देखा जाए कि देयर इज अ सॉफ्टवेयर जो आ गया जो आजकल के लोगों के लिए व्हिच इज बिकमिंग वेरी इजी फॉर पीपल, के आप सिर्फ मिडी नोट्स बजाते, मतलब सर्टन नोट्स, और देन यू पुट इन योर ओन लिरिक्स, जो लिरिक्स उस नोट्स पे चाहिए। सो आई प्लेड 13 मैंने उस पे नोट्स बजाए, देन आई पुट इन द लिरिक्स, और एक गोरी 13 गा रही थी ना करे एआई। सो यहाँ तो टेक्नोलॉजी जा रही है सर। देखें जावेद भाई, इसका मतलब है आप भी गा सकते हैं? हाँ तो जरूर गाऊंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ मेरी कैसेत अगर आ गई तो चौधरी शुजात ही सुनेगा बस। अच्छा जी, जहाँ हमारे सिंगर्स ने बड़े पॉलिटिकल गाने गाए हैं, आपने कोई पॉलिटिकल गाना नहीं गाया? इतना अपने आपको अफिलिएट नहीं किया? अफिलिएट मेरे ख्याल में एक आर्टिस्ट का बनता भी नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ इंक्लिनेशन शो करना, बिकॉज वी आर द एम्बेसडर्स फॉर पीस एंड देयर इज नथिंग पीसफुल गोइंग ऑन फॉर द पास्ट सो मेनी इयर्स। ये तो पूरे पाकिस्तान को मालूम है, आपने ए आर रहमान के साथ भी कोलैबोरेट किया हुआ है, आपने उनसे सीखा भी हुआ है। मगर अब जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं, जहाँ पहले और मैं कहूँगा कि वो गोल्डन एरा था कि जब पाकिस्तानी और इंडियन आर्टिस्ट कोलैबोरेट करते थे, अब वो कोलैबोरेशन ख़त्म हो गई। डेफिनेटली, बिकॉज वहाँ पे हम जिस तरह वहाँ इंडिया में भी पॉप आर्टिस्ट अब इमर्ज कर रहे हैं काफ़ी सारे। देयर वाज अ टाइम जब इंडिया में पॉप बिल्कुल नहीं कोई सुनता था, बिकॉज उनकी जो फोटे है वो फिल्म म्यूजिक था, बॉलीवुड था, और पाकिस्तान में हम लोग हमेशा से यहाँ पे पॉप म्यूजिक चलता रहा। बिल्कुल बिल्कुल, और बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉप 2025। तो अब वहाँ पे सिंस इस तरह के सिंगर्स आ रहे हैं, वो कोलैबोरेट कर रहे हैं, बट इफ़ यू ट्राई टू कोलैबोरेट विद समवन जो कि फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से है, उनको वहाँ से फौरन फ़ोन आ जाता है फिल्म एसोसिएशन की तरफ से कि डोंट डू इट, कि पाकिस्तानियों के साथ बिल्कुल कोलैबोरेट नहीं करना। देखें सर, दौर बदल गया है ना, एक वक्त था ए आर रहमान मेले पीछे भी हाथ धो के पल गया। मुझे कहता हाथ धो के सलाम कर ले। मगर ये जो अब नया नहीं क्या ये बिल जो इतना ज्यादा लगे, कहना ही क्या जो घर में एसी जरा सा चले, 80,000 बिल आ गया मेरा, इसको मैं बिल्कुल ना मानू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। पहला थोला गाना सुनाया, ये जनरेटर पे बनाया था। जनरेटर पे माशाल्लाह, ये मुझे कह रहे होंगे बात के बाद मुझे फीडल दे दिया तलो। और सर कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे पहचाना नहीं सर? ए आर रहमान साहब कितना बड़ा नाम। बहुत बड़ा नाम वाकई। कन्ना नो अतलाओ क्यों, मैंने उसको नहाते हुए देख लिया। क्यों लगाओ कानों को यार? लगाओ, बड़ा बड़ा नाम। मैं उनका भाई हूँ। ए आर रहमान के भाई हैं? यस, बी आर बेईमान। उपल भाई, तेरा ते मेरा, मेरा ते तेरा, अगो नहीं आंदा मेनू। वो क्या था भाई, जरा प्लीज भाई, अजला दा सोनी है प्यार। हाँ, अजला दा सोनी है प्यार। नहीं सर, मैं भाई गौड़ आपका बहुत फैन हूँ, क्योंकि मैंने आपके बड़ी सी ऐसी कॉम्पोजिशन सुनी, आपको देख देख के मैंने कोशिश की कि क्यों ना मैं म्यूजिशियन बनूं। थैंक यू। और अच्छा, आप ए आर रहमान साहब के भाई हैं? यस। yes. तो आपने उनको नहीं देखा, आपने इनको देखा? भाई ये पाकिस्तान रह गए थे। सर प्लीज, आप अगर प्लीज मेरे लिए दो शब्द सर प्लीज, एक गाना मुझे डेडिकेट कर दीजिए। जी जी, मेरी माँ बहुत बीमार है, प्लीज। ओ, ये आपका ही है एक्चुअली, विरासत में मैंने आपको दिया था। यस।
तेरा ते मेरा मेरा ते तेरा अजला दा सोनी प्यार नी आ जाते बह जा फुल्ला दी छावे कर लईए कॉल करार नी आ जा मेरे यार आ जा तू बन के बहार किन्ना करा मैं इंतजार आ जा मेरे यार तेरा ते मेरा मेरा ते तेरा अजला दा सोनी प्यार कम बेबी आ जा ते बह जा फुल्ला दी छावे कर लईए कॉल करार नी आई लव यू आ जा ओ बह जा मेरे देखिए ये हो गई ना कोलैबोरेशन हमारी जर्नलिस्ट क्यों बन गया आपको तो ड्रामों में हीरो होना चाहिए था बिल्कुल सही कहा आपने मुझे शौक भी था बट साहब वैसे सर लग रहा है आपकी मैं देखता रहता हूँ एक टाइम पे शौक था पर वो कहते हैं ना हकीकत बात करनी चाहिए कहीं चांस नहीं मिला तो मैंने कहा चलो फिर एक काम करते हैं अरे इतना अच्छा चांस तो मिल गया आपको इसके अलावा और आपको क्या चांस उसके बाद फिर चांस ही नहीं बना ना ऐसा कुछ कर सकता सर कहते हैं कि एक एंकर के अंदर अदाकार भी छुपा होता है कितना परसेंट ये सच है ये 100% सच है अच्छा? एक एंकर है वो आई थिंक 50% वो एक अदाकार होता है और जिससे उनका पाला पड़ता है सर आई एम सेइंग दिस ऑन रिकॉर्ड ये कैमरा है I'm saying it's on record कि वो जो सियासतदान होते हैं वो भी अदाकार ही होते हैं वो हमसे बेहतर अदाकार होते हैं वो प्रोड्यूसर भी होते हैं अदाकार भी होते हैं डायरेक्टर भी होते हैं आपको तो पता है वो सब कुछ होते हैं लेकिन उनके ऊपर भी होते हैं वो इन्वेस्टर होते हैं क्या बात है सर जहाँ हम लोग बात करते हैं आप लोगों के माशाल्लाह माशाल्लाह मॉडर्न कपल्स के अंदर आप लोगों का नाम आता है क्योंकि बोथ ऑफ यू आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल एंड बोथ ऑफ यू आर वेरी कह लें कि सोशली एक्टिव ऑल्सो तो भाभी मुझे बताएं इनकी सबसे बुरी आदत क्या आपको लगती है जो थी वो इन्होंने चेंज कर ली है क्या दाढ़ी नहीं बात नहीं करते थे कम्युनिकेट करने का प्रॉब्लम था इनको अच्छा हाय 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 अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे चुप ही नहीं होंदे मतलब क्या शाय थे चाय नहीं थे आई थिंक आई वाज नॉट एक्सप्रेसिव ही वाज नॉट वेरी एक्सप्रेसिव ही वुड यू नो रादर प्रेफर के बात ना की जाए किसी भी इशू के बारे में बस ये हर मर्द के साथ प्रॉब्लम होती मेरी वर्कम भी मुझे यही कहती है कि आप हम देखो हम बात करते हैं लेकिन हम कम्युनिकेट नहीं करते ये कॉमन बीमारी है ये common आदत बदली कैसे आई रियली वांट टू नो बाय द वे ये दो कुटे पड़ती ठीक हो जाती है ऐसा ही है ये हाल ही में एक बड़ी वायरल ऑलमोस्ट 14 मिलियन व्यूज आए हुए हैं जहां आपने कहा था कि जी औरत कभी चीट नहीं करती लेकिन औरत को हालात ऐसे आप क्रिएट कर देते हैं कि वो चीट करने पे मजबूर कर देती है ये मर्दों पे भी अप्लाई होता है नहीं सर नहीं अप्लाई होता है यार हम ना मर्द I'm sorry to say, अगर मर्द जो डेफिनेटली अगर क्या डेफिनेटली देख रहे होंगे हम शौकिया भी चीट कर देते होते हाँ और तब कुछ भी नहीं है सब परफेक्ट है सर देखिए इसलिए हमें चार की इजाजत दी गई कि बेटे चीट ना करो शादी कर लो शादी कर हाँ। उसके बावजूद भी करते हैं ना तब भी ऐसी एकदम टोन आपकी बदली बड़ी अच्छी लगी एक्सक्यूज मी बट काम त्याणा मेरी प्रॉब्लम है बट जी गालियां कितनी तेरे होंठों से निकली होंगी जब तेरे घर बिजली का बिल आया होगा भेजने वाला तुझे याद तो बहुत आया होगा बेशक आप सबको राइटर कमर का सलाम सलाम सर राइटर कमर डांसर कमर तो ना बने ना सर राइटर पे ही रहना शायद आपकी कमर भी अफोर्ड ना कर सके डांस कर एक कहानी लिख रहा था अरे वाह वाह तुम मेरे ज़हन में आ गए मैंने कहा लीडिंग किरदार है अपने भाई से खराब करवाता हूँ क्या बात की आपने आज आपको पता है अली साहब आए हुए जो कि इनका स्कूल ऑफ थॉट ये है कि औरत चीट नहीं करती आपका स्कूल ऑफ थॉट ये है कि औरत चीट करती है पहली बात तो ये मैं किसी स्कूल में गया ही नहीं तो थॉट कैसे वैसे कमर साहब आप यहाँ पे क्यों आए हैं अरे दो टके की बातें करने वाली अच्छा हाँ बस आज मुझे बातें करेगी अरे कमर साहब वैसे ही आप बिन बुलाए आ गए आपको तो बुक करने के लिए इतने जतन काटने पड़ते हैं जतन चक्रवर्ती ना बन बात सुनो बट जी सर घर में बैठ बैठ के यही दिल में ख्याल आता है कि हुकूमत ने सिगरेटों पे इतना टैक्स लगा दिया वो तो मुफ्त भरे आ जाते हैं इन्हें मशवरे नहीं देते जिन्हें सिगरेट पी जाते इसलिए मैंने सोचा क्यों ना सड़कों पर जाऊं
अपनी डब्बी ते अरेंज करा। इनकी मैरिज काउंसलिंग कितने परसेंट ठीक होती है? अब तो काफी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत हद तक सही हो। लगता है आपका आशीर्वाद आ गया है। तो वो अब हर चार बात पे आप कहती हैं, लगता है मैं बहुत ही बिगड़ा हुआ बच्चा था। ऑब्वियसली एक टाइम पीरियड गुजर जाते हैं, हमें वी हैव बीन मैरिड फॉर 10 इयर्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी डर के ना बोले, मैं बैठा हूँ खुल के बात करूं। क्योंकि लोग समझते हैं अली कि मैं औरतों के खिलाफ लिखता हूँ, हालांकि बाप भाई और खामन की इज्जत का भरम रखने वाली औरतों के तो मैं जूते उठाता हूँ। भाभी जरा जूती देना। अरे आप तो करंट अफेयर्स के शो करते हैं, लेकिन अगर आपको कोई कॉमेडी शो की कभी ऑफर हो तो डू यू थिंक कि आप कम... आया आफताब तो ये सिलसिले हुए, हर जगह है कॉमेडी के शो खिले हुए। आया आफताब तो ये सिलसिले। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाईजान? आप फिर से आ गए। अहमद, तुम्हें पता तो है कि मुझे कोई मेहमान बुलाता तो नहीं जी, मैंने खुद ही आना होता है। हाँ। यार ये चेक करो, चेक टैंकी भर गई कि नहीं। ओ कमर जमान कायरा साहब, आप कैसे हैं? राइटर कमर बंदा भी वह दसिया जेड़ा अपनी सीट नहीं जीत सके। इन्हें दिवाल च की कुत्तियां दी रेस है। आप खुद इतने बड़े होस्ट हैं, सही फीकी और बिल्कुल नाकस बातों पे कैसे हंसी आ जाती है आपको? यार जब मैं फीकी पे हंस सकता हूँ तो मैं फीकी कर क्यों नहीं सकता? ये कौन है लड़की? मेरा नाम महरीन है। आ महरीन, अगर इदियां बावा ला दे तो लगदा सराहने च मुंह वेखण दे। What's wrong with him? Why do you laugh like that? आप ही होंगे, आप ही होंगे। Actually, मैं अपने भाई, अपने दोस्त, अपने क्या लगते हैं आप मेरे जो मर्जी बना ले, मैं मिलने आया हूँ अली हैदर भाई से। अच्छा अली हैदर साहब, ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र। भाभी आप कैसी हैं? अल्लाह का करम। भाभी मैं आपके व्लॉग देख के बड़ा इंस्पायर होता हूँ और माशाल्लाह किसी दिन देखते एक्सपायर हो जाते, मजा ही आ गया। आप दोनों की जोड़ी, एक्चुअली मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं अपने शो पे बुलाऊं आप लोगों को, आप लोगों ने मुझे चिट्ठा जवाब दे दिया। आप चिट्ठा सूट पे आगे आ गए। अच्छा सर आप वापस आ गए पाकिस्तान? कैसी छोटी बात की तुमने अहमद, मेरी तो रूह ही पाकिस्तान में है। ये आप बालों में व्हाइटनर लगाते हैं, वाकई में आपके बाल व्हाइट है। काश तुझे जुगत की थी हुंदी, मैं तेन कुछ नगद देंदा। अली हैदर भाई आपको देख के एक गाना याद आया। इरशाद नहीं आया। आफताब इतनी गर्मी में भी तुमने चादर ली हुई है, की गल पिछो कमीज पार्टी? कोट ते सौन पा दो जो भाई देना। ये स्टाइल है आफताब। मेरा भी स्टाइल है, होर मैं ठाकुर हाँ, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। अच्छा कूड़े च बंदा नपया होवे ना, ओदा इना ना मुंह बाहर निकलदा। अली हैदर भाई का भी मैं सोच रहा हूँ कि इनको भी एज ए कॉमेडियन मैं बैठाऊं। ये सोशल एंकर है, कॉमेडियन नहीं है। कोई गल नहीं, चलता एंकर है, कितने भी बह सकता है। आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ, 100-200 का होगा, आपने देना है। एक्चुअली सवाल ये है भाभी कि अगर मैं अली हैदर को जी अपने साथ दुबई ले जाऊं तो आपको कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? नहीं, नहीं, कोई नहीं। यानी तुसी जान छुड़ाना चाह रहे हो? नहीं, ये भाभी ने हंसाने के लिए कहा है, क्योंकि भाभी की आंखें बता रही हैं ये रातों को उठ उठ के YouTube पे अली भाई के व्लॉग्स देखती हैं और उससे ज्यादा कमेंट्स देखती हैं, कुड़ियां तो नहीं कर रही हैं। शाज़िम मंजूर जो है उनका IQ लेवल लोगों को मालूम नहीं, लेकिन बड़ा कमाल का इनका IQ लेवल है। वेरी गुड। और वो इसलिए क्योंकि अगली जो हम गेम खेलने वाले हैं उससे हमें पता लगेगा कि इनका IQ लेवल कितना अच्छा है और ये कितना जल्दी चीजें गेस कर लेती हैं। Okay. इन्होंने आपकी बैंक स्टेटमेंट भी गैस कर ली थी, जमाई कम ले। मेरा तो एक ही अकाउंट है मोबाइल पे बस। जी तो ख्वातीन हज़रात, वक्त होता है माइंड द सॉन्ग का। तो सबसे पहले आपको एक ननी सी ट्यून सुनेंगे और अच्छा। आपने वहां से पूछना है कि ये कौन सा गाना है। अच्छा बालों बत्तियां वे माही साकू मारो संगड़ा ना, पितल बनाया ही सोना बन सायम मलाना। वाह
एक पॉइंट आपका हो गया, क्या आपने इनाम भी है ना इसका? हाँ इनाम भी है, बेफिक्र है आप, लुकमान आपके साथ जाएगा। मैं लुकमान रस्ते से सूट जाऊंगी। तस्वीरें देख के बूझना है कि अच्छा इससे कौन सा गाना बनता है। अच्छा तो पहला तो ये है आपका पहला गाना जी। पहली तस्वीर पे एक हंस रहा है कोई, ठीक है ना, वो जो है वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है और ये तो कोई मर रहा है और वो तो बेचारा रुल गया है, तो हंस रहा है, बोल रहा है, मर गया, रुल गया है। ओहो हो, मैंने तो चार ओहो रुलता गए हैं, बड़े चस बड़ी है। नहीं नहीं ये कहां से लग रहा है? कदी ते हंस बोलवे। ओहो कदी ते हंस बोलवे ना जिंद साडी रोड़े, कदी ते हंस बोलवे ना जिंद साडी रोलवे। क्या बात है जी। अच्छा जी अगली तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। दिखाएं जी। यूनिवर्स यूनिवर्स दिल दिल और दिलदार भट्टी साहब। दिलदार भट्टी दिलदार सदके। ओ यार एडा इजी यार। कौन सा कह रही हैं आप? दिलदार सदके। दिलदार सदके जरा फिर से देखिए तस्वीर। पहली है दुनिया दुनिया और फिर दुनिया, दुनिया ते प्यार मिले कोई दिलदार मिले। हाय 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 क्या बात है जी, क्या बात है, क्या बात है आपकी, क्या आपने कड़ी जोड़ी। दुनिया ते प्यार मिले कोई दिलदार मिले, हंदा स्वाद गल बात दा स्वाद स्वाद भी है। दिल रे ने वाल मेरे रहना मैं नाल तेरे, वादा है पहली मुलाकात दा सब मिलके लुटी जमालो। वाह जी वाह।